Hello Messi, welcome back to my channel. तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पर हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की को आगे करते हैं। तो ना, के अंदर हम पर्टिकुलरली बात करें तो टर्पेनोइड पे मैं आपके साथ ऑलरेडी देखे होंगे बिकॉज उन तो नाइन लेक्चर्स पे हमने हमारे तीन टर्पेनोइड को तो कवर कर लिया है विदेसिस सिंथेसिस के साथ हमने तीन टर्पेनोइड को तो कवर कर लिया है साथ ही साथ टर्पेनोइड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जैसे टर्पेनोइड क्या होता है इसका क्लासिफिकेशन इसका आइसोलेशन इसका एक्सट्रैक्शन इसके अंदर जो दो रूल होते हैं रूल रूल स्पेशल रूल, वो सारी चीजें हमने प्रीवियस नाइन लेक्चर्स पे कवर कर ली हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्लेलिस्ट का मैं दे दूंगी अगर आपको प्रीवियस लेक्चर चाहिए तो आप वहां से देख सकते हैं ओके तो देखो अभी हम अभी फोकस करते हैं हमारा जो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर टेंथ पे ओके तो देखिए ना आज के लेक्चर पे हमने हमारा एक नेक्स्ट को डिस्कशन में लेना है विच इज मैंथॉल यानी कि को हम आज समझने वाले हैं ओके अब समझेंगे कैसे देखो जैसे मैंने आपको पहले समझाया था

एक होता है आपका एल्कोहलिक तो अब आपको ये चीज बतानी है कि ये जो ओ है वो किसके लिए है ये ओ आपके फंक्शनल ग्रुप के लिए तो है बट में, में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा एल्डिहाइड होगा कीटो होगा फिनोलिक होगा या एल्कोहलिक होगा तो ये चीज हमने यहाँ पर बतानी है आज के लेक्चर पे आपने एग्जाम में भी ऐसे ही आंसर करना है आप का स्ट्रक्चरल एल्यूसिशन कुछ ऐसे ही बताएंगे तो मैंने जितने भी आपको तीन प्रीवियस प्रीवियस लेक्चर्स में जो मैंने आपको तीन तर्पिन में डिस्कशन में लिए थे वो कुछ ऐसे ही पढ़ाए थे और आपने ऐसे ही एग्जाम में अपने आंसर लिखने क्लियर हुआ ना तो ये सारी चीजें

ग्रुप ग्रुप यानी कि को 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 एज अ फंक्शनल आपको पर देखने मिलेगा एक एल्कोहल तो का स्ट्रक्चर है होप आपको यही चीज माइंड पे आ गई होगी ठीक है अब देखो मैं आपको पॉइंट के साथ लेते चलती हूँ पहले तो जस्ट बेसिक पॉइंट है ठीक है आपको जस्ट इंट्रोड्यूस कराने के लिए यहां से स्टार्ट बहुत ज्यादा आसान है जस्ट सुनिएगा ठीक है तो पहला पॉइंट आपको बोल रहा है फर्स्टली लिखा है ये बोल रहा है मैंथॉल इज अर्गेनिक कंपाउंड यानी कि आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक टर्पेनोइड है और पर्टिकुलरली अगर आप इसे देखेंगे तो ये एक टाइप का मोनो टर्पे है तो आपको मोनो टर्पिन क्या होता है ये तो पता ही होगा, मैंने आपको क्लासिफिकेशन जब कराया था वही एक्सप्लेन कर दिया था बट स्टिल अभी भी मैं आपको बता देती हूँ मोनो टर्पेनॉइड मतलब ऐसा टर्पेनोइड जिसमें सिर्फ एक आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट हो तो हमको पता है कितनी आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे आप टर्पेनॉइड को नंबर ऑफ क्लासेस में क्लासिफाई

है इस वजह से मैंथॉल हो गया इससे पहले जो हमने कैंफर डिस्कस किया दोनों ही आपके क्या है एक टाइप के मोनोटर्पेनोइड हैं क्लियर हुआ अब सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है ये बोल रहा है मेड सिंथेटिकली एंड ऑप्टेन फ्रॉम द ऑयल ऑफ कॉर्नमेंट पेपरमेंट एंड अदर मिंट तो ये बोल रहा है आप इनको अगर ऑप्टेन करना चाहते हैं

मेल्ट हो जाता है तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में रहता है लेकिन बहुत आसानी से क्या होता है मेल्ट भी हो जाता है थोड़ा सा टेम्परेचर को ऊपर करने पे क्लियर हुआ तो ये जस्ट बेसिक पॉइंट मैंने आपको किसके बताया के आप इसे एक एक पॉइंट करके डाल भी सकते हैं ठीक है थीके? अब लास्टली एक और चीज यहाँ पे लिखा है ये बोल रहे हो ना मैंथोल को आप एनेस्थीशिया की तरह भी लेते हैं तो तो सबको पता है ना वो ठंडा सा जो मिंट uh, जैसा लगता है वही तो होता है मैंथोल तो ये बोल रहे हैं मैंथोल को आप एनेस्थीशिया की तरह भी यूज किया जाता है मैंथोल को ठीक है तो ये जस्ट मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताया जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही वाला पहला वाला है और दूसरा वाला है ये दोनों को आप डेफिनेटली एड कीजिएगा कि मैंथोल आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक टर्पेनॉइड है पर्टिकुलरली ये मोनो टर्पेनॉइड से बिलोंग करता है बिकॉज इसमें सिर्फ एक आइसोप्रीन यूनिट होती है और ये कहाँ से ऑप्टेन होता है ये एक प्लांट होता है मैंथिया पैपरिता इससे ऑप्टेन होता है

मिथाइल ग्रुप आपका किसमें चला गया वेज में तो ये आपकी क्या होती है Uh, ये कंफर्मेशन हो गया एक ही कंफर्मेशन हो गया तो ये जो है ना इसमें आप देख सकते हैं ये कायरल ये आपका क्या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है इसमें आपको यहाँ पे कायरल सेंटर्स देखने को मिल रहा है तो यहाँ देखो ये भी कायरल है ये भी कायरल है ये भी कायरल है, है. यानी कि यहाँ पे जो कार्बन है वो चार डिफरेंट टाइप के ग्रुप से बना हुआ है तो यहाँ पे जो कार्बन है इस जो कायरल है इसका कॉन्फ्रगेशन क्या आया आर यानी कि पहली पोजिशन आपकी क्या है आर है और तीसरी पोजिशन भी आपकी आर है और जो आपकी चौथी पोजिशन है वो एस है जिसे हम बोल रहे हैं माइनस मेंथोल इसे हम माइनस मेंथोल कह रहे हैं

है, तीन कायरल सेंटर प्रेजेंट है ठीक है ये आपके इसमें भी तीन कायरल हो गए इसके दूसरे कंफर्मेशन में भी तीन कायरल सेंटर हो गए और ये माइनस हो गया ये आपका प्लस हो गया ठीक है अब आगे क्या बोल रहा है ये बोल रहा है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो है लेकिन इसके सिर्फ लीवो फॉर्म यानी कि माइनस फॉर्म क्या है नेचर नेचर में अकर करती है नेचुरली आप इसे ऑप्टेन कर सकते हो कहां से जो मैंने प्लांट आगे बोला था मैंथा पेपरिटा तो ये जो मैंथा पेपरिटा प्लांट है इससे आप इसे ऑप्टेन कर सकते हो नेचुरली और सिर्फ लीवो फॉर्म को ऑप्टेन कर सकते हो यानी कि हमारे पास मैंथोल दोनों फॉर्म में तो अकर करता है ऑप्टिकली एक्टिव है तो दोनों फॉर्म में लीवो और डेक्सट्रोल दोनों फॉर्म में अकर करेगा लेकिन नेचर से हमें सिर्फ लीवो फॉर्म में ये ऑप्टेन होता है ठीक है सिंथेटिकली यानी कि लेबोरेटरीज में आप इसकी डेक्सट्रो फॉर्म भी बना सकते हो बट नेचुरली ये

लिया मेंथोल में क्या किया ब्रोमिन की रिएक्शन कराई Br2 के साथ उसकी रिएक्शन कराई हमने क्या लिया मैं देखो हमने यहां पे क्या लिया

यही वाले आपने रूल्स लगाने बस ठीक है अगला क्या है अगला आपने चेक करना है कि चलो इतना तो आपको पता चल गया कि मैंथोल के स्ट्रक्चर में कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है यानी कि अनसेचुरेशन नहीं है सारे ही कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए ठीक है अब बात करते हैं कार्बन जब आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो वो साइक्लिक रिंग बनाई हुई है तो साइक्लिक रिंग आपकी एक साइक्लिक रिंग है स्ट्रक्चर में दो है तीन है कितनी है यानी कि मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है बाईसाइक्लिक है ट्राईसाइक्लिक है या कितना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा पहले आपको देखो आपने स्ट्रक्चर देखा हुआ है तो आप सिर्फ इसके थ्रू बताएंगे कि आपको पता है कंपाउंड आपका क्या है मोनोसाइक्लिक है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि कंपाउंड आपका मोनोसाइक्लिक सिस्टम है और उसे प्रूफ करेंगे कैसे प्रूफ करेंगे हमको पता है मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन का लेक्चर दिया था तो उस पे भी मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेस बताए थे आपको बस अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को उन फॉर्मूले में पुट करना है देखो हमको क्या पता है हमको पता है हमारे पास एक फार्मूला होता है CNH2n अगर आपका मॉलिक्यूल का फार्मूला CNH2n है इट मींस आपका मॉलिक्यूल क्या है मोनोसाइक्लिक ठीक है और अगर आपके मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है सी एन एच टू एन माइनस टू है तो ये बन जाता है आपका बाइसाइक्लिक जैसे हमने किसके केस में देखा था कैम्फर के केस में देखा था तो अभी मैं आगे पीछे के बारे में डिस्कशन नहीं ले रही अभी हम पर्टिकुलर अपने कंपाउंड पे जाएंगे तो आपने पहले देखा हुआ आपका कंपाउंड मोनोसाइक्लिक है तो आप क्या देखिए कि आपका कंपाउंड क्या इस फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है तो देखो हमारा मोलिकुलरफॉर्मुला कितना था हमको जो मॉलिकुलर फॉर्मुला दिया हुआ है वो है कार्बन टेन और हाइड्रोजन ट्वेंटी तो ऑक्सीजन नहीं लेना है ठीक है कार्बन टेन एंड हाइड्रोजन को लेना है तो हमको पता है कार्बन फिजिकल टू कितना है टेन है और हाइड्रोजन इजिकल टू कितना है है। तो देखो इनको इस फॉर्मूले पे फिट करो क्या है? फिट बैठ रहा है बिल्कुल बैठ रहा है देखो यहाँ पे कार्बन टेन मतलब एन है एन आपका क्या है टेन है तो टू एन कितना होगा 2N कितना होगा सी बात है ट्वेंटी होगा यानी कि कार्बन कितना टेन है, है और हाइड्रोजन हैं है. तो कार्बन एंड हाइड्रोजन टू वन टेन है और हाइड्रोजन ट्वेंटी है तो ये आपका सी टेन एच ट्वेंटी का जो ये फॉर्मूला है आपके का वो कौन से फॉर्मुले में फिट बैठ रहा है सी एन एच टू एन में फिट बैठ रहा है और हमको पता है अगर किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सी एन एच टू एन में फिट बैठता है तो है है, का, वो कंपाउंड आपका मोनोसाइक्लिक होता है यानी कि उसमें एक साइक्लिक रिंग बनेगी लेकिन सिर्फ एक साइक्लिक रिंग बनेगी तो यहां पे आपने वही लिखा यह बोरा है मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए सैचुरेटेड पेरेंट हाइड्रोकार्बन तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सेचुरटेड यानी कि ऐसा कंपाउंड जो पूरी तरह से सेटेड है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है और पेरेंट हाइड्रोकार्बन यानी कि सिर्फ आप हाइड्रोजन एंड कार्बन ले रहे हैं इसमें जो ऑक्सीजन बोला गया है इसको आप नहीं इंक्लूड कर रहे हैं और आप किसका मैं का फॉर्मूला कितना है सी टेन एच ट्वेंटी ऑक्सीजन नहीं है ठीक है कितना है सी टेन एच ट्वेंटी है क्योंकि तो कि किसके करस्पॉन्डिंग है सी एन एच टू वन यानी कि ये फॉर्मूला कहां फिट बैठ रहा है सी एन एस टू वन में फिट बैठ रहा है इट मीन हमको पता है सी एन एस टू वन मतलब क्या हुआ

ऑक्सीजन आपको बहुत कुछ इंडिकेट कर सकता है यहाँ पे ऑक्सीजन है ऑक्सीजन मतलब हो सकता है यहाँ पे कोई वो एल्डिहाइड प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में आपका अल्कोहल प्रेजेंट है फिनॉल प्रेजेंट है यहाँ पे कीटो भी हो सकता है जैसे कैंफर में कीटो था यहाँ पर को आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है लेकिन हमको पता है हमने स्ट्रक्चर देखा हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो कंफर्मेशन टेस्ट भी आप सिर्फ हाइड्रोक्सी का करेंगे इनका एक्स्ट्रा करने की कोई नीड नहीं है ठीक है

फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था वो आपका एक एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप था ठीक है और दूसरा जो सबसे ज्यादा आसान है वो ये है इसका ऑक्सीडेशन ये बोल रहा है एल्कोहलिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी आप इस मैंथॉल का ऑक्सीडेशन कराओगे इसे ऑक्सीडाइज करोगे तो ये आपको कीटोन देगा क्योंकि हमको पता है कि जब भी हमारे पास कीटो होता है तो कीटो को जब आप रिड्यूस करते हैं देखिए जब भी आप कीटो को रिड्यूस करते हैं यानी कि इसमें आप प्रोडक्शन करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है एल्कोहल में कन्वर्ट होता है और जब भी आप एल्कोहलिक को ऑक्सीडाइज करते हैं एल्कोहल को जब आप क्या करते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है कीटो में ये तो बेसिक है तो वही चीज हमने यहां ऑब्जर्व की इन्होंने क्या देखा आप इन्होंने अपना मैंथोल लिया और मैंथोल को जैसे ही ऑक्सीडाइज किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया कीटो में तो कौन सी स्पीसीज है जो ऑक्सीडाइज होने पर कीटो में कन्वर्ट होती है तो आपको पता है एल्कोहलिक यानी ओ एच ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप तो हम यहाँ से चीज कंक्लूड uh, कर सकते हैं कि हमारे में क्या है? OH है, है, because साथ ही साथ और भी है आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं ये रहे जैसे आप अपने को ट्रीट करेंगे पीसीएल फाइव के साथ यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ या फिर फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ तो आपको एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा जब आप फॉस्पोरस पेंटा क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको क्लोरीन का एडिशन देखने को मिलेगा यानी कि वहां पे क्लोरीन जुड़ जाएगा और आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा जो पहले सी टेन H2O था उसके बदले वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा C10H19Cl में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है और साथ ही साथ जब आप उसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ करा रहे हो तो आपको एक हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेगा यानी कि ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा तो ये सारे के सारे आपकी क्या चार मैंने रिएक्शंस बता दी ये चारों की चारों रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रही है कि आपका जो मेंथॉल है उसमें आपका जो ऑक्सीजन है वो कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए है एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के लिए जो कि आपका सेकेंडरी नेचर का है ओके okay? और यही रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है ये बोल रहा है है मेंथॉल इसमें जब आपने क्या करा है ऑक्सीडेशन के प्रेजेंस में तो ये अल्कोहलिक ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया कीटो में तो ये रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर देखो आपको पहले पता नहीं था मेंथॉल में हाइड्रोक्सी ग्रुप है देखो पहले ऐसा पता नहीं था यहाँ पे आपका ऑक्सीजन था अब ऑक्सीजन किस के, किसी के लिए भी हो सकता है एल्डिहाइड के लिए भी हो सकता है कीटो के लिए भी हो सकता है ओ OH एच लिए भी हो सकता है तो आपने, आपने में ऑक्सीडेशन कराया तो आपने देखा कि ये ऑक्सीडेशन के बाद कौन जो स्पेसिज बन रही है उसमें आपका कीटो ग्रुप है तो हम कंफर्म करेंगे कीटो में कौन ऑक्सीडाइज होता है पता है एलडीड तो कीटो में ऑक्सीडाइज नहीं होगा कीटो तो कीटो में ऑक्सीडाइज नहीं होगा कौन होगा आपका एल्कोहलिक कीटो होगा तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो ये ओ है यानी कि ये जो ऑक्सीजन एटम है वो कौन से फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है 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 सिंपल ठीक ठीक यानी कि से क्या बन गया? बन गया 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 ओ जुड़ कीटो जुड़ गया ठीक है साथ ही साथ अगली रिएक्शन ये है मैंथोल की रिएक्शन आपने के साथ कराई तो आपको यहाँ पर को क्या देखने को मिला थ्री सेवन डाई मिथाइल सिक्स ऑक्सो एसिड ऑक्सो एसिटोनिक एसिड आपको ऑपरेन हो गया जो की अगेन इंडिया इंडिकेट कर रहा है कि में आपका हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है सेम चीज है अगर आपने फोर के साथ रिएक्शन कराए तो इसने थ्री मैं दिया जो कि ये इंडिकेट यानी कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ओ OH ग्रुप है सेम है अगर आपने इसे पीसीएल तो हम नारा क्या हुआ क्लोरिन का एडिशन हुआ तो यहाँ पे क्लोरिन का जुड़ना क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर को आपका क्या है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है इतनी चीज कर लेंगे बस ये चीज आपने यहाँ पर को बतानी है और हर जगह सारी उसमें तो हम यही चीज कर रहे हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे आपका सीएल है ठीक है ओ के बदले क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सीएल जुड़ जाएगा क्लियर हुआ ना तो बस ये चीज हुई यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो

ऑफ सिक्स मेंबर रिंग का मतलब क्या है ये देखो ये बोलता है कि देखो सपोज आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है जैसे हमने लास्ट लेक्चर पे कैम्फर की बात की थी उन्होंने बोला आपके पास अगर कैम्फर है चलो कैम्फर नहीं ले रही हूँ मैंथॉल ही बोलती हूँ ठीक है ये बोल रहा है अगर आपके पास मैंथॉल है मैंथॉल की रिएक्शन आप कैसे कराओ मैंथॉल में पहले डिहाइड्रोजनेशन कराओ सॉरी पहले डिहाइड्रेशन कराओ मैंथॉल में उसके बाद फॉलोड बाई डिहाइड्रोजनेशन पहले डिहाइड्रेशन देन डिहाइड्रोजनेशन कराओ जैसे आप ये दोनों रिएक्शन कराओगे तो आफ्टर रिएक्शन आपको एक स्पीसीज मिलेगी विच इज पी साइमिन पी साइमिन साइमिन, ऐसी होती है, है है? देखो यही पी पी ठीक तो अगर आपको पी साइमिन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है तो इसका फॉर्मेशन बहुत सारी चीजों को रिवील करता है यानी कि क्या क्या चीजें बताता है अगर पी साइमिन का फॉर्मेशन हुआ तो आप समझ जाना कि आपका जो मॉलिक्यूल है जिसमें आपने ये रिएक्शन कराई है उसके अंदर एक सिक्स है उसके अंदर एक मिथाइल ग्रुप है उसके अंदर एक जैम डाई मिथाइल ग्रुप है तो हमने ये चीज ऑब्सर्व किया हमारे में 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 भी 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 और और हमारे कैंफर कैंफर सेम सेम चीज चीज हुई हुई थी और आ, आ, में में भी चीज़ हुई, तो में में जब हमने डिहाइड्रोजनेशन कराया करा तो एज अ रिजल्ट हमको पीसाइमिन मिला तो हम यहाँ से ये चीज समझ जाएंगे कि हमारे में, में एक सिक्स में रिंग है तो देखो हमको पता था एक रिंग प्रेजेंट है हमने यहाँ से कंक्लूड किया था कि हमारे पास एक मोनोसाइक्लिक रिंग है अब वो

से हो गए सातवा नौ दस तो देखो दस कार्बन आपके मैनफॉल में होते हैं और दस कार्बन आपने बता दिए कहां कहा आपके दस कार्बन प्रेजेंट है क्लियर हो रहा ना तो यही चीज आपने हर जगह करनी है समझे तो पी साइमिन ने देखो हमारा पूरा स्केलेटन के बारे में बता दिया कि हमारा जो मोलिक्यूल है जो हमारा मेंथोल है उसका स्केलेटन कैसे होगा तो हमने प्रूव कर लिया था रिंग सैचुरेटेड है तो देखो रिंग सैचरेटेड है मतलब सारे कार्बन आपको यहां पर दिख रहे हैं और किसी के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है ठीक है सारे कार्बन के बाद दो दो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है ठीक है तो देखो आपके बाद इसका मतलब क्या हुआ अगर दस कार्बन है तो आपको क्या मिलेंगे दस बीस हाइड्रोजन मिलेंगे ये सारी चीज हुई और दूसरी चीज रिंग आपकी एक रिंग प्रेजेंट है वो हमने बता दिया रिंग आपकी सिक्स

आ, वो कन्फर्मेशन कि इसका स्ट्रक्चर मेंथोल का ऐसा ही होता है इसको हमने कंफर्म करना है लास्टली आप इसे ऐड भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है अब देखो

और यहाँ पे कीटो और ये बॉन्ड आपका क्लीव हो गया जैसे हम बोलते हैं कीटो एसिड तो ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि आपका जो स्केलेटन है मैंथोल का बिल्कुल करेक्ट है ठीक है साथ ही साथ ये बोल रहा है विच रेडली ऑक्सीडाइज टू थ्री मिथाइल मिथाइल एडिपिक एसिड तो ये बोल रहा है जो कि क्या है फर्दर आप

ग्रुप रहेगा और यहाँ पे आपका एसिडिक ग्रुप जुड़ जाएगा फिर फर्दर हमने जब ऑक्सीडेशन कराया तो बीथा मिथाइल एटिपिक एसिड में कन्वर्ट हो गया यानी कि दोनों साइड आपकी क्या जुड़ गए एसिडिक ग्रुप जुड़ गए तो अगर ये रिएक्शन अगर प्रोसीड हो रही है तो हम यहाँ से कंफर्म कर लेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है मैंथोल का बिल्कुल करेक्ट है जो हमने इन सारे स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन से प्रूव किया है क्लियर होना तो देखो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट आप अगर प्रीवियस लेक्चर देख रहे होंगे तो डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि आपको सारी चीजें क्लियर आ रही होंगी ठीक है तो ये चीज हमने डिस्कशन में लेनी थी आज के लेक्चर पे मैंथॉल पे तो ये तो हमारा पहला मतलब टेंथ लेक्चर था अब हम लोग क्या करेंगे हमारे इलेवंथ लेक्चर पे क्या देखेंगे इसकी सिंथेसिस देखेंगे जो कि अगेन काफी आसान सी है ठीक है तो अब इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर लेते हैं मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे अगर लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाएगा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ठीक है तो अभी लेक्चर को फिनिश करता है मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे तब तक के लिए बाय बाय